स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखे रखा है। अगर आप हमारे यहाँ से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक साल का AMC फ्री मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, कुछ भी दिक्कत आता है आपको अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आप जो है हमारे ईमेल एड्रेस जो है finoij@gmail.com, उसमें आप ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। स्टॉक में आज बात करने वाले हम लोग जेट एयरवेज स्टॉक को लेके। जेट एयरवेज में अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पुराने हैं तो आपको पता रहेगा, जब ये स्टॉक का प्राइस 15 रुपये के नीचे था, तब से हम लोग जो है हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स को बता रहे हैं कि ये स्टॉक लेके रख सकते हैं, जहां पे अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर आपने स्टॉक लिया रहेगा 15-16 रुपये में, तो आपको जो है स्टॉक में लगभग 200% के आसपास रिटर्न मिल गया रहेगा। जिसने भी ये स्टॉक ज़्यादा प्राइस में लेके रखा है, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, 6 महीना पहले जेट एयरवेज का स्टॉक का प्राइस 20.65 के आसपास चल रहा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूअसली स्टॉक में अच्छा खासा मजबूती दिखाया है। कंटिन्यूअसली स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। 1 महीना पहले स्टॉक का प्राइस 30.10 के आसपास चल रहा था, एंड उसके बाद देखेंगे तो एक महीने में भी स्टॉक ने जो एक अच्छा रिटर्न दिया है, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अभी अगर इसी सेक्टर्स का बाकी आप स्टॉक्स देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया है वो है जेट एयरवेज। उसके पीछे क्या रीज़न है सबको पता है, और जेट एयरवेज स्टॉक में क्यों गिरावट आया था वो भी सबको पता है आप लोगों को। तो अभी यहाँ पे देखते हैं 5 डेज पहले का इन्फॉर्मेशन। तो 5 डेज पहले स्टॉक का प्राइस 68.50 के आसपास चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, फिर से स्टॉक में तेजी आया। तो लगभग जो 2 या 3 दिन से अगर हम लोग जेट एयरवेज का स्टॉक देखते हैं, डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक में जो है अपर साइड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर एक दिन पहले का हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, 4.95% का जो लॉस दे दिया जेट एयरवेज स्टॉक ने एक दिन में, एंड अमाउंट पर देखेंगे तो 3.55 पैसे का लॉस दिया है। 2 या 3 दिन से जेट एयरवेज स्टॉक में जो एक लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। उसके पीछे क्या रीज़न है हम लोगों ने एक दिन पहले 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था वो आपके साथ शेयर किया था। फिलहाल ऐसा कुछ भी अपडेट्स नहीं है जिसके चलते जेट एयरवेज में ज़्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग NSE के साइड पे आ गए, चलिए देखिए अभी NSE के साइड पे हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, ट्रेडेड वॉल्यूम 71,307 का जो ट्रेडेड वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। फेस वैल्यू 10.00 का फेस वैल्यू है, एंड 52 का हाई प्राइस देख सकते हैं जो कुछ दिन पहले 52 का हाई प्राइस जेट एयरवेज के स्टॉक ने हिट किया था, वो था 79.20 पैसे का। 79.20 पैसे का जो है हाई प्राइस जो है हिट कर लिया था, जो कि बहुत बढ़िया हम लोग बोल सकते हैं। एंड 52 यहाँ पे जो है हम लोग जो अपडेट आया है जेट एयरवेज के बारे में वो एक बार देख लेते, और उसके पहले बताना चाहेंगे जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि जेट एयरवेज का जो अभी नया ओनर बन चुका है मिस्टर मुरलीलाल जलान, और उन्हीं को लेके या फिर जो दूसरा इन्वेस्टर है केरला कैपिटल, कुछ अपडेट्स आया है वो कोशिश करेंगे आपके साथ अभी एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से शेयर करने के लिए। रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो पे बने रहिए, केपीवी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अभी यहाँ पे देखते तो द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ जेट एयरवेज हैज सबमिटेड द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन प्लान ऑफ केरला कैपिटल एंड मुरलीलाल जलान फॉर द बैंकक्रप्ट एयरलाइन एट द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उन्होंने जो भी रेजोल्यूशन प्लान है जेट एयरवेज को लेके जो सबमिट किया गया है केरला कैपिटल एंड मिस्टर मुरलीलाल जलान के ओर से बैंकक्रप्ट एयरलाइन जेट एयरवेज को लेके, वो अभी जो है रेजोल्यूशन प्लान के ओर से जो है सबमिट कर दिया गया है NCLT को। वंस द मुंबई बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल गिव्स द गो अहेड, द विनिंग कंसोर्टियम ऑफ जलान एंड फ्लोरिया फ्रेंड्स कैन फॉर्म इन फंड्स रिक्वायर्ड टू रिवाइव द एयरलाइन। तो जब भी इन लोगों को एक गो अहेड मिल जाएगा, उसके बाद जो ओनर है जलान मिस्टर जलान, वो आगे का फंड्स क्या चाहिए रिवाइव करने के लिए जेट एयरवेज को वो सोच सकता है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ जेट एयरवेज ड्यूली फाइल्ड द रेजोल्यूशन प्लान हैज अप्रूव्ड बाय द COC विद द ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच ऑन November 5th, 2020 इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 30C
36 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जेटरस सेड इन ए रेगुलेटरी फाइलिंग। ये इन्फॉर्मेशन जो है जेटरस की ओर से दिया गया है। केलॉग कैपिटल इज ए यूएस बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म दैट मेनली वर्क्स इन द रियल एस्टेट वेंचर कैपिटल एंड स्पेशल सिचुएशन स्पेसेस व्हाइल मोरारीलाल जलान इज एन एंटरप्रेनर विद इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। केलॉग कैपिटल एक यूएस बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है जो मेनली काम करता है रियल एस्टेट पे, वेंचर कैपिटल एंड स्पेशल सिचुएशन स्पेसेस पे। और मिस्टर मुरारीलाल जलान जो है वो एक एंटरप्रेनर है जो इन्वेस्ट करता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे, इंडिया, रशिया एंड उज़्बेकिस्तान अमंग्स अदर। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे मिस्टर मुरारीलाल जलान इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया, रशिया एंड उज़्बेकिस्तान अमंग, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे ये इन्वेस्ट करता है। बोथ एंटिटीज हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस इन एविएशन। तो मिस्टर जलाल और केलॉग कैपिटल जो अभी जेटरस के नए ओनर हैं, उन लोगों का पहले का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है एविएशन सेक्टर पे। एज पर एन ईटी नाउ रिपोर्ट द प्लान सबमिटेड बाय द कंसोर्टियम इंक्लूड्स एन अपफ्रंट पेमेंट ऑफ ₹380 करोड़ टू फाइनेंस creditors and then a payment of ₹590 crore in the third party. Fourth and fifth year of the operation once commenced, financial creditors will also reportedly get 10% free cash flows and a 9.5% stake in JET and a 7.5% stake in JET privileges. तो यहाँ पे अभी जब इसके बारे में एक final update आ जाएगा, go ahead आ जाएगा NCLT के ओर से भी, उसके बाद जो है जो भी अभी नया ओनर है जेटरस का, उनको जो बाकी प्लान है उसका रिवाइव करने के लिए जो भी अमाउंट है उसके बारे में सोचेंगे। तो जैसे कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने वीडियो बना के आपको बताया था कि जेटरस के लिए ऑलरेडी जो है मिस्टर जलान की ओर से एक अच्छा खासा अमाउंट दे दिया गया है, जहाँ पे एक रूल्स रहता है जब भी कोई बिडिंग में विनर बनता है उसके बाद उनको अगर वो वापस ना ले प्लान, या फिर जो भी रिवाइवल प्लान है वो वापस ना ले, तो उनको एक अमाउंट देना पड़ता है ओनर को। तो वो ऑलरेडी दे चुका है मिस्टर जलान ने। तो अभी यहाँ पे अगर बात करते हैं जेटरस के स्टॉक के बारे में, क्यों जेटरस के स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया है, तो जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया, ऐसा कुछ भी अपडेट्स नहीं है जहाँ पे जेटरस के स्टॉक में लोअर सर्किट लग सकता है आगे, या फिर आगे भी जेटरस के स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी तक का जो जेटरस का अपडेट हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसके चलते अगर बात करेंगे, जेटरस स्टॉक में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा कुछ दिन पहले स्टॉक का प्राइस जब अपर सर्किट हो रहा था जेटरस का, तब उसमें खरीदने को भी नहीं मिल रहा था, इतना ज़्यादा लोग बुलिश थे। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग खरीदारी करते हैं तो लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न बन सकता है। जैसे ही यहाँ पे गो अहेड मिल जाएगा, गो अहेड मिलने के बाद ही रिवाइवल प्लान के लिए जो भी अपडेट्स है वो आएगा और हम लोग कोशिश करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जेटरस के स्टॉक के बारे में या फिर जेटरस को लेकर जो अपडेट्स आया है वो आपके साथ शेयर करने के लिए एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।